नोएडा में जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव के कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। राज्य में अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन अब तो विपक्ष ने संसद में भी बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। राज्यसभा में सपा सांसदों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के बढ़ते हौसलों को पस्त करने के लिए योगी सरकार ने मिशन एनकाउंटर तो चला दिया, लेकिन इस मिशन के तहत पुलिस अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगी हुई है। शनिवार रात को नोएडा के सेक्टर 122 में जितेंद्र यादव को दारोगा विजय दर्शन ने गोली मार दी थी। इस मामले में जितेंद्र के परिजनों ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि प्रमोशन पाने के लिए दारोगा ने यह एनकाउंटर करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने दारोगा विजय को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। इस मामले की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी, जहां सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव लाते हुए तत्काल चर्चा कराने की मांग की। इस पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि नोटिस मिल चुका है और इस पर नियम के तहत चर्चा की जाएगी। इससे विपरीत समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, सपा नेता ने कहा कि इस सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए जो जबरन लोगों को मरवा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।